गाइस आपने काफी बार सुना होगा दैट योर फ्रेंड्स फ्रॉम टॉप एमबीए कॉलेजेस आर गेटिंग पैकेजेस ऑफ वर्थ रुपीस 20 लाख 40 लाख एंड इवन 1 करोड़। एंड आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ आती होगी कि आपको मिल रही है सिर्फ 6 से 8 लाख तक की फिक्स्ड सैलरी एंड वहीं आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स या फिर आसपास के लोगों का सीटीसी है 40 लाख तक का। हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त हिमालिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू एमबीए फंडास बाय सनस्टोन वेयर आई टॉक ऑल अबाउट एमबीए। एंड फील फ्री टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। So I am going to talk on this very interesting and hot topic that is the truth of a 40 lakh MBA salary. तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कंपनीज झूठ बोलती हैं या इन्फ्लेट करके अपने CTCs को बताती हैं? ये बात जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। एंड जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये सिर्फ MBA स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि अलग अलग प्रोफेशंस में भी सेम होता है, बल्कि सारे कॉर्पोरेट जॉब्स जैसे इंजीनियरिंग, MBA, BCA में भी ये चीज एप्लीकेबल है। तो दोस्तों सपोज करिए आपने ज्वाइन किया एक टॉप एमबीए कॉलेज एंड जब आती है बात ऑफर इवैल्यूएट करने की तो आपको जो मेन चीज देखनी चाहिए वो है आपकी फिक्स्ड सैलरी। फिक्स्ड सैलरी ही वो सैलरी है जिसमें आपको मोस्टली 100% मिलेगा और बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। तो कंपनीज क्या करती हैं कि वो अट्रैक्टिव सीटीसी फॉर्म करने के लिए फिक्स्ड सैलरी से ऊपर अदर कंपोनेंट्स को ऐड कर देती हैं, जैसे कि वेरिएबल सैलरी, बोनस, ईसॉप्स, जॉइनिंग बोनस, रिलोकेशन बोनस, ये सब ऐड करके सीटीसी को इंक्रीज कर देते हैं। बट इनमें क्लॉज ये है कि जरूरी नहीं कि सारी चीज आपको 100% या गारंटीड मिले। तो मैं आपको अब एक एक्चुअल ऑफर लेटर दिखाती हूँ और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इन कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद भी जो आपके पास इन हैंड सैलरी है वो क्यों कम आती है। तो इन हैंड सैलरी वो सैलरी है जो आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होता है एंड यही आपकी एक्चुअल सैलरी है, राइट? सो फ्रेंड्स देखिए स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा होगा एक्चुअल ऑफर लेटर एक कंपनी का। तो अब आपको रिवॉर्ड कंपोनेंट वाली टेबल में दिख रहा होगा साइन ऑन बोनस जो कि है 2 लाख का एंड ये आपको सिर्फ एक ही बारी मिलता है एंड फिर अगले साल नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट दिख रहा होगा डेफर्ड साइन इन बोनस जो कि 2 लाख का है एंड वो भी आपको एक ही बारी मिलेगा 1 साल कंप्लीट करने के बाद। देन एक है रिलोकेशन बोनस जो कि है 50,000 एंड ये भी आपको एक ही बारी मिलेगा। फिर जो रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स हैं जो कि 2,41,200 के हैं उनकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर कंपनी की मार्केट वैल्यू। और एक और बात बता दूं कि स्टॉक्स भी एक वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही आपको आपकी कंपनी देगी। तो ये सब आपकी मंथली फिक्स सैलरी का पार्ट नहीं है। सिमिलरली जो एजुकेशन रीइंबर्समेंट दिया है एडिशनल रिवॉर्ड कंपोनेंट्स के नीचे जो कि 6,84,780 है वो आपको कोई कोर्स करोगे तो मिलेगा। और बाकी के जो 3 साल है स्टॉक्स के जो कि 7,23,000 है ये आपको आफ्टर 1 ईयर इन अ स्पैन ऑफ 3 ईयर्स मिलेगा एंड इसकी वैल्यू भी फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो हमारा एक्चुअल मंथली सैलरी यही फिक्स सीटीसी के ऊपर डिपेंड है जो कि 11.55 लाख है। यहाँ सीटीसी तो 39 लाख ही है एंड ये सीटीसी झूठ भी नहीं है बिकॉज ये कंपनी के एक्सपेंसेस है एंड ये कॉन्टिंजेंट है किसी इवेंट के होने या ना होने पर, जैसे एजुकेशन रीइंबर्समेंट। इसलिए हमें पता लग रहा होगा कि कोई भी सीटीसी का डिसीजन हमें फिक्स्ड सैलरी के बेसिस पर ही लेना चाहिए। जनरली मोस्ट कंपनीज के ईयरली हाइक्स भी इन्हीं फिक्स सैलरी के ऊपर होता है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ 3-4 इनसाइट्स देती हूँ। तो सबसे पहला है कि कंपनीज हमसे झूठ नहीं बोल रही हैं, बस सीटीसी को अच्छे से पैकेज करके हमको दे रही हैं। तो कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि हमने ही सीटीसी को एक बहुत बड़ा और प्रेस्टीजियस इवेंट बना दिया है। तो हम यही देखते और सुनते आ रहे हैं कि भाई देखो शर्मा जी के बेटे को कितना अच्छा पैकेज मिला, कितनी अच्छी अच्छी जगह उसकी प्लेसमेंट हुई है और वगैरह वगैरह। जिसको ये ऑफर लेटर मिला है और उससे अगर कोई ये पूछेगा कि भाई कितने का सीटीसी लगा तो वो तो 39 लाख ही बोलेगा ना। इसलिए फिक्स सैलरी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे कॉलेजेस का। तो कॉलेजेस भी उन्हीं कंपनीज को प्रेफरेंस देते हैं जिनका सीटीसी ज्यादा होता है प्लेसमेंट स्लॉटिंग के दौरान। फॉर एग्जाम्पल आप एक कॉलेज के प्लेसमेंट हेड हैं और आपके पास 2 कंपनीज आती हैं और एक कंपनी का सीटीसी है 12 लाख और दूसरी कंपनी का जो मैंने आपको बताया, तो ऑफकोर्स आप उसी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे जिसका सीटीसी ज्यादा है बिकॉज आपको भी अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट में ये दिखाना होगा कि आपने उसी कंपनी को चूज किया जिसका सीटीसी 39 लाख का है। तो इसलिए इसमें सभी का एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है एंड ऐसी सैलरी की एक
कस्टम और प्रथा बन गई है, इसलिए यहाँ पर कोई भी गलत या झूठ नहीं बोल रहा। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने आखिरी इनसाइट पे। तो जॉब सेलेक्ट करना फिक्स सैलरी के बेसिस पर तो होना जरूरी ही है, बट जॉब रोल उससे आपको क्या मिलेगी वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों मेरी आपसे यही एक एडवाइस है कि अगर आप जॉब सेलेक्ट करें तो हमेशा करें फिक्स सैलरी के ऊपर, बाकी उसके ऊपर एड ऑन है। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई टू रीच एट अ हायर पैकेज।